Dear students, assalamu alaikum. How are you? Open your science book. Page number 69. Open करें. Question number 1 है choose the correct answer. आपने जो है choose करने correct answer. Number 1 पे है which of these can move by itself. कौन सी चीज है जो अपने आप हरकत करती है. A है हॉर्स, बी है ट्रैक्टर, सी है व्हील चेयर, डी है बुक. पहले बच्चों देखें, ट्रैक्टर जो है वो खुद बहुत तो नहीं हरकत करता, इसको क्या कौन चलाता है, इंसान चलाते हैं इसको. देखें व्हील चेयर जो है इसको भी क्या, एक आदमी जो है वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ हो दूसरा उसको चलाएगा ना, ये खुद बहुत हरकत नहीं करती. बुक भी देखें प्यारे बच्चों, ये बुक है, देखें ये क्या खुद बहुत हरकत करती है, नहीं. क्या हरकत करते हैं, हॉर्स जो होते हैं अपने आप जो है वो हरकत करते हैं. देखें इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि हॉर्स जो है वो खुद बहुत हरकत कर रहा, तो आपने हॉर्स पे टिक करना है, यानी ए पे आप लोगों ने टिक का निशान लगाना है. नंबर 2 पे देखें विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव्स वेरी स्लोली, कौन सा जानवर है जो बहुत आस्ता से मूव करता है. ए है चीता, चीता देखें प्यारे बच्चों वो तो बहुत ज़्यादा भागता है. बी पे देखें ईगल, ईगल भी देखें फ्लाई करती है. सी पे है स्नेल, डी पे है डॉल्फिन, डॉल्फिन तो देखें वाटर में जो है वो तो पकड़ने में आती ही नहीं है ना. अब देखें स्नेल, स्नेल की मूवमेंट देखें वो क्या, स्नेल की मूवमेंट देखें कितनी स्लोली से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो प्यारे बच्चों आप स्नेल पे टिक करें सी पे. नंबर 3 पे देखें विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव्स बाय जंपिंग, कौन सा एनिमल है जो जंप लेके मूव करता है. ए है फिश, प्यारे बच्चों देखें फिश जो है वो पानी में स्विमिंग करती है. बी है स्नेक, स्नेक भी देखें कोई उछलता है नहीं, वो तो ज़मीन पे रिंगता है. सी है फ्रॉग, डी है टर्टल, कछुआ भी देखें कोई जंप लेता है नहीं. फ्रॉग क्या है प्यारे बच्चों, ये देखें फ्रॉग जो है वो जंप लेके मूव कर, प्यारे बच्चों ये देखें फ्रॉग जो है जंपिंग करती है. प्यारे बच्चों फ्रॉग पे टिक करें. नंबर 4 पे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड थिंग्स वुड नॉट हेल्प अस इफ वी नीडिड टू मूव अ हैवी लोड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का भारी वजन उठाने के लिए इंसानों की बनाई हुई कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी मदद नहीं करती जब हमें उसकी ज़रूरत होती है. ये देखें ट्रक, बी व्हील बैरो, सी ट्रेन, देखें ये तीनों जो है वो ईंटों का वजन उठाने के लिए हमारी हेल्प करती हैं. डी पे देखें क्या है प्लास्टिक बैग, मेरे बच्चों देखें जो ही प्लास्टिक बैग में आप लोग ईंटें भरना स्टार्ट कर देंगे तो वो क्या होगा, वो रैपर जो होंगे वो फट जाएंगे. प्लास्टिक के जो बैग हैं वो ईंटों का भारी वजन उठाने के लिए हमारी हेल्प नहीं करते, इसलिए डी पे टिक करें. नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फोर्स, आपने बताना है ये ऑप्शन जो आपको दिए हुए कहाँ पे हमारी पुश फोर्स जो है वो यूज़ हो रही है. ए देखें क्लोजिंग अ डोर, बी है ओपनिंग अ कैबिनेट, सी है फ्लाइंग अ काइट, डी है रीडिंग अ बुक. देखें ये जो तीनों हैं ये हमारी हेल्प जो है वो पुश फोर्स में नहीं करती. अब देखें क्लोजिंग अ डोर, स्टूडेंट देखें जब हम डोर को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, हमारी पुश फोर्स जो है वो यूज़, इसलिए आप क्लोजिंग का डोर पे टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर मैन मेड थिंग्स टू मूव, इंसानों की बनाई हुई चीज़ों को हरकत देना कैसे मुमकिन है. मैन मेड थिंग्स टू मूव विद द हेल्प ऑफ फोर्स, पुश एंड पुल, फोर्स हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी चीज़ों को पुश या पुल करने में, धकेलने या खींचने में. स्टूडेंट्स देखें अब फोर्स मेरे पास होगी तो मैं इसको जो है वो पुश करूंगी, देखें मैं इसको खींच कैसे रही हूँ फोर्स की हेल्प से, फोर्स होगी तो मैं चीज़ों को खींच भी सकूंगी या धकेल भी सकूंगी. स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का बुक वर्क जो आप लोगों ने अपने अपनी बुक पे करना है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.